आपका बहुत स्वागत है। आज सामाजिक विज्ञान में अपन निर्धनता पढ़ेंगे। इसके पहले उन्हें निर्धनता वाला पाठ पढ़ा था। तो किसी समाज में व्यक्ति का बहुत बड़ा भाग जीवन में जो जीवन होता है उसकी जो निरंतर आवश्यकताएं होती छोटी छोटी उनको पूरा ना कर पाना ही क्या कहलाता है, जिसको अपन पूरा नहीं कर पाते हैं, या जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होते हैं असमर्थ होते हैं वह क्या कहलाती है, उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, निर्धनता कहते हैं। फिर निर्धनता का अर्थ मतलब भूखे रहने से या आश्रय ना होना वो भी होता है। जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है और रहने के लिए नहीं है वो भी एक प्रकार से क्या हुआ, निर्धन हुआ। निर्धनता का अर्थ कैसा होगा, स्वच्छ जल, सफाई, सुविधा का अभाव और नियमित रोजगार की कमी भी क्या होती है, आपको न्यूनतम शालीनता का स्तर का अभाव बताती है। फिर सामाजिक उपार्जन, मतलब समाज में अपन रहते हैं उसके उपार्जन के लिए जो लोगों की आवश्यकताएं होती है, लोगों की आय भी बहुत कम, मतलब जो जिनकी आय बहुत कम होती है वे भी क्या होते हैं, उनको भी निर्धनता की श्रेणी में अधिक से अधिक उनको। इसी प्रकार भारत में निर्धनता का जो है रेखा का आकलन किया जाता है, जो भारत है उसमें जो निर्धनता है उसका आकलन कैसे किया जाता है, इस विषय पे इसका आपको छोटे छोटे प्रश्न है, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से 2 और 3 नंबर के प्रश्न पर आधारित है। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन सबसे पहले है कि भारत में निर्धनता का आकलन करते समय उसके जीवन निर्वाह के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता, मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए उनको खाने की क्या होती है आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश और शैक्षणिक व्यवस्था, जो व्यक्ति की शैक्षणिक व्यवस्था होती है उसके आधार पर इसमें आपकी जो आवश्यकताएं है उसमें आपके हो गए जूते, प्रकाश, शैक्षणिक चिकित्सा और आवश्यकताएं आदि पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है एवं भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमत से, मतलब जो उनकी भौतिक मात्राएं होती है खर्च करने की उनकी कीमतों से क्या करते हैं, गुणा करके निर्धनता रेखा का आकलन और खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र कैलोरी आवश्यकताओं पे क्या है वांछित, मतलब वो आवश्यकताओं पर क्या होता है आधारित होता है, मतलब कितने लोगों ने कितनी कैलोरी का उपयोग किया उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उस पर आधारित होता है। फिर खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज हो गया, दाल हो गई, सब्जी, तेल, ये सब मिलाकर क्या हो गई आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करता है, मतलब दैनिक जीवन में आपको अनाज की भी आवश्यकता है, दाल की आवश्यकता है, सब्जी की भी आवश्यकता है, तो इन सब आपकी क्या है ये आवश्यक कैलोरी की पूर्ति। फिर आयु लिंग का कार्य करने के लिए प्राकृतिक के आधार पर क्या होती है इनकी कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। फिर मौद्रिक अवस्था में मूल्यांकन वर्ष 2011 और 2012 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता के लिए रेखा का ग्रामीण जो निर्धारण है ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा है, 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह किया गया है। फिर भारत में जो स्वीकृति कैलोरी, मतलब जो भारत है उसकी स्वीकृत कैलोरी है 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, मतलब एक दिन में एक व्यक्ति 2400 कैलोरी मतलब क्या होती है आवश्यकताएं होती है एवं नगरीय क्षेत्रों में कितनी होती है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है। तो जो भारत में निर्धनता का रेखा आकलन है वो इस आधार पर किया जाता है। फिर इसके बाद है कि भारत में क्या आप जानते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही तरीका क्या है, मतलब जो निर्धनता की आकलन को कैसे मापा जा सकता है, तो निर्धनता का आकलन है उसका वर्तमान तरीका सही नहीं है आज, क्योंकि यह केवल एकमात्र अवधारणाओं पर क्या है आधारित है और निर्धनता को अधिकाधिक परिभाषित करने के लिए एक सीमित भाग पर लागू होती है और न्यूनतम जीवन निर्वाह के लिए उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। तो निर्धनता का आकलन का वर्तमान तरीका सही क्या है,
भारत में सन 1973 में निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा, 1973 में भारत में कैसे निर्धनता थी, तो योजना आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ वर्षों के लिए तब एक योजना आयोग का गठन हुआ, उसमें राष्ट्रीय स्तर के कुछ वर्षों के लिए निर्धनता रेखा को नीचे रहने वाले जो व्यक्ति निर्धन है उसका निर्धनता पे रहने वाले रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का क्या किया गया, अनुमान लगाया गया और यह अनुमान राष्ट्रीय न्यूदर्श न्यादर्श सर्वेक्षण NNS इसको, तो अगर छोटा सा प्रश्न पूछा जाए NNS क्या है तो यह आपका इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय न्यायदर्श सर्वेक्षण के उपभोग व्यय के आंकड़ों पर आधारित है, जो आपको एक तालिका भी नीचे दी गई है, तो जो तालिका है उसमें ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र और जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर, तो आपको बताओ 1973 और 74 में मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कितनी निर्धनता थी, 56.4% और शहरी क्षेत्रों में 49.4, और इसको दोनों को संयुक्त मिलाकर 54.9% क्या थी निर्धनता थी। इसी प्रकार सनवाइज 93-94 में 45.3 हुई, फिर 2004-05 में 37.2 हो गई और 11-12 में 21% जनसंख्या का जो निर्धनता का स्तर है वो दिन प्रतिदिन क्या हुआ घटता गया सर्वेक्षण के आधार पर। तो भारत में अंतरराष्ट्रीय निर्धनता की विभिन्नता को कारण बताइए। तो जो भारत में जो भारत की अंतर राज्य निर्धनता है, भारत में अंतरराज्यीय निर्धनता के निम्नलिखित भिन्नता है, निम्नलिखित प्रत्येक व्यक्ति के राज्य में निर्धन निर्धन लोगों का अनुपात कैसा होता है, एक समान नहीं है, मतलब किसी भी राज्य में जो निर्धनता है निर्धनता का अनुपात है वह एक समान नहीं होता, और किसी राज्य में भूमि उपयोग के लिए उपायों के लिए निर्धनता कम करने में सहायता मिलती है, प्रत्येक राज्य का प्राकृतिक वातावरण भी कैसा रहता है सामान्य नहीं रहता, मतलब किसी भी राज्य में जो निर्धनता होती है वह एक बराबर नहीं होती, कहीं ज्यादा निर्धनता है कहीं किसी राज्य में कम निर्धनता है, ऐसे ही प्रत्येक राज्य का प्राकृतिक वातावरण भी सामान्य नहीं होता, प्रत्येक राज्य का जो वातावरण होता है कैसा होता है अलग अलग होता है। फिर प्रत्येक राज्य में मानव संसाधन विकास की समय नीति भी अपनाई जाती है, मतलब निर्धनता को दूर करने के लिए मानव संसाधन द्वारा विकास के लिए क्या की जाती है नीतियां बनाई जाती हैं उनको और योजनाएं भी कई प्रकार की लागू की जाती है। फिर कुछ राज्यों में उच्च कृषि वृद्धि दर के निर्धनता में पारंपरिक रूप से इसे क्या करते हैं सफल बनाते हैं, तो कुछ राज्यों की जहाँ पर उच्च कृषि ज्यादा कृषि करके उसको दो निर्धनता की दर वृद्धि को क्या करते हैं कम करते हैं। फिर कुछ राज्यों में सार्वजनिक जो कुछ राज्य होते हैं उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उचित प्रयोग कर सुधार का कारण रहा है, तो ये अंतरराज्यीय निर्धनता की भिन्नता के कारण है। तो इसमें सबसे पहले है प्रत्येक राज्य का निर्धनता का अनुपात कैसा नहीं होता एक समान नहीं और उनमें भूमि सुधार उपाय की भी निर्धनता कम करने में क्या मिलती है सहायता मिलती है और हर राज्य का वातावरण कैसा होता है अलग अलग होता है और इसके लिए निर्धनता दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास ने कई योजनाएं और नीतियां भी अपनाई जाती है। फिर उच्च कृषि दर में निर्धनता को कम करने के लिए पारंपरिक रूप से सफल कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उचित प्रयोग भी सुधार का क्या रहा है कारण रहा है। तो ये आपको परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर है, आप इनको क्या करोगे याद करोगे और आप PDF जरूर देखें बच्चों। फिर है व्यवसायिक निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा, तो विभिन्न राष्ट्रों में प्रत्येक तब जो राष्ट्र होते हैं उनमें अत्यंत आर्थिक निर्धनता, जैसे विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन आपको 1.4 डॉलर होते हैं।
परिभाषा के अनुसार तब जो प्रतिदिन 1.9 प्रति दो डॉलर में कम जीवन निर्वाह करने वाले जो लोग होते हैं उनका अनुपात कितना है, 1990 में कितना था, 36% से गिर के 15 में कितना हो गया, 10% हो गया। वैश्विक निर्धनता के गिरावट आई, लेकिन वृद्धि दो बड़े क्षेत्र होते हैं, बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं यहाँ पाई जाती हैं, जो बड़े क्षेत्र होते हैं उसको निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है। यहाँ पर कैसा होता है, तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास के बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में के राष्ट्रों में निर्धनता की विशेष कमी आई है। मतलब जो चीन है और दक्षिण पूर्व है वहां पर आर्थिक विकास तीव्रता से होने के कारण वहां पे निर्धनता में क्या आई है, विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनता की संख्या 81 में 88.3% थी और जो 2008 में 14.4% हो गई और 2015 में मतलब कैसी हो गई, बिल्कुल घट गई, 0.7% रह गई। फिर है दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के निर्धना जो निर्धन है उनमें उनकी संख्या में भी क्या आई, गिरावट आई। इसी ही तीव्रता मतलब इसी तीव्रता ही तो 2005 के बाद वहां पर निर्धनता का दर कैसा हो जाएगा, गिर जाएगा। तो व्यवसायिक निर्धनता मतलब जो अन्य राष्ट्रों में जो अंतर्राष्ट्रीय अन्य राष्ट्रों में या अन्य देशों में जो गिरावट है निर्धनता की प्रवृत्ति है उस पर एक छोटी सी चर्चा की। उसके बाद निर्धनता के उन्मूलन की सरकारी रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। भारत में निर्धनता उन्मूलन में मतलब जो निर्धनता है उसके उन्मूलन में सरकारी जो रणनीतियां बनाई गई उसमें इसके अंतर्गत भारत में आपको निर्धनता उन्मूलन में विकास की रणनीति का प्रमुख उद्देश्य है। सरकार में मतलब जो निर्धनता है उसकी रणनीति के दो कारक है। पहला आर्थिक विकास में जो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना और दूसरा है निरोधी मतलब जो लक्षित निर्धनता है उसके कार्य को लेकर जो क्या करते हैं निर्भर रहते हैं। तो सबसे पहले है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, मतलब आर्थिक समृद्धि के लिए छोटे मतलब जो उसमें आपको आर्थिक विकास की क्या है आवश्यकता होती है। तो 80 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर सबसे अधिक रही और 70 के दशक में 3.5 से जो औसत प्रतिशत बढ़ा था तो 80 और 90 के दशक में वह कितना हो गया, 6% के करीब पहुंच गए। और विकास की उच्च दर से निर्धनता को कम करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब जो विकास दर है वो उच्च मतलब उच्च दर पर हो गए तो निर्धनता कैसी हो गई वहां की, कम हो गई। इसलिए स्पष्ट कहा जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है और आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास के लिए निवेश के लिए क्या होते हैं ये आवश्यक मतलब जो संसाधन कैसे होते हैं उपलब्ध कराते हैं। तो ये है निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान मतलब जो वर्तमान में जो रणनीति बनाई है सबसे पहला उसका मुख्य कारक है आर्थिक समृद्धि को क्या करना, प्रोत्साहित करना। अगर किसी देश का आर्थिक विकास अच्छा होगा तो वहां पे निर्धनता दर मतलब जब आर्थिक समृद्धि होगी आर्थिक विकास होगा तो बच्चों में मतलब जो व्यक्तियों में आय के साधन बढ़ेंगे तो अपने जीवन के निर्वाह के लिए वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे जिससे निर्धनता की दर में क्या होगी, कमी होगी। उसके बाद है लक्षित निर्धारण निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो जो कुछ भारत सरकार ने कुछ लक्ष्य रखे हैं कि निर्धनता को दूर करने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई हैं, कई योजना बनाकर उन पर कार्य किए हैं, उनका कार्यक्रम का सृजन किया है उन्होंने। घर मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग, शहरी क्षेत्रों के अलग, तो सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए जिसमें महात्मा गांधी मतलब 2005 में जो शुरू की उन्होंने वह 2005 में महात्मा राष्ट्रीय रोजगार
साल गारंटी को राष्ट्रीय कार्यक्रम के बदले में अनाज कार्यक्रम, मतलब भारत सरकार ने अभी ये एक योजना चल रही है कि बच्चों को बना हुआ भोजन ना देके उनको अनाज का वितरण किया जा रहा है। 2004 में ये योजना चालू हुई। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई, ये निर्धनता दूर करने के लिए इन योजनाओं का और मतलब निर्धनता निरोधी कार्यक्रम ये योजनाएं लागू की गई, जिससे भारत में क्या हो, निर्धनता में, निर्धनता की दर में क्या हो, कमी हो। फिर है ग्रामीण रोजगार सृजन का कार्यक्रम जो 1995 में शुरू हुआ। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ये 2000 में चालू हुई और अंतर अन्य योजना आदि इसमें क्या है, प्रमुख है। तो अंतर अन्य योजना है वर्तमान में आज भी संचालित है। ये सभी योजनाएं जो भारत सरकार ने लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम है और जिससे भारत में निर्धनता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो आज आपको निर्धनता 19 पार्ट के आपका निर्धनता एक चुनौती के अंतर्गत आपको कुछ पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न बताए गए, प्रश्नों के उत्तर बताए गए जो परीक्षा की दृष्टि से 2 या 3 नंबर के हैं, तो आप इनको पढ़ोगे और याद